तो आज हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का सर्टिफिकेट किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड में एक दो चीज़ों को चेंज करना होगा, और वो चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने पेज पर आना है नेचुरली, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज होता है पोर्ट्रेट, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। इसको हमें लेआउट में जाना है और यहाँ से इसको जाके ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है और कर देना है लैंडस्केप। जैसे हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो हमारा पेज की जो विड्थ है वो हाइट हो जाएगी और जो हाइट है वो विड्थ हो जाएगी। इस तरह से ये मामला हो जाएगा, तो ये हमारा पेज जैसे कि लैंडस्केप मोड में आ जाएगा, पोर्ट्रेट यानी कि इस तरह से और लैंडस्केप यानी कि इस तरह से। लैंडस्केप करने के बाद अब आपने इसको डिज़ाइन करना शुरू करना है। सबसे पहले आपने इसको सेव कर लेना है अपनी फाइल को, जहाँ पर भी आपकी फाइल को सेव करना है तो फाइल सेव पे जाके मोर ऑप्शंस में जाना है, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना है और सेव कर देना है, ठीक है, अपने फोल्डर के अंदर। सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाएं, इसके बाद आपने डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखें इस तरह का मामला आपने रखना है, तो एक अदद एक इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप बनाना है, यहाँ से शेप पे क्लिक करना है, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि आपको पूरा पेज नज़र आए, और इसको एक पेज पर अपने हिसाब से इस तरह से सेट कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे सेट करेंगे तो ये आपको इस तरह से नज़र आने लग जाएगा, ठीक है, और ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है। अब इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे मोर टेक्सचर के अंदर, यहाँ से क्लिक करेंगे पैटर्न के ऊपर, और पैटर्न में आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे नीचे। पैटर्न में दो कलर हैं, एक फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड है, तो एक पे ब्लू कलर लेना है, ये बैकग्राउंड कलर है, इसको आपने वाइट ही कर देना है, और एक फोरग्राउंड कलर है जिसमें आपने ब्लू ले लेना है, और इस तरह के पैटर्न आपको इसमें मिल जाएंगे। इस तरह का पैटर्न लगाना चाहें, ऐसा पैटर्न लगाना चाहें, ऐसा पैटर्न लगाना चाहें, ये पैटर्न लगाना चाहें, तो जो पैटर्न लगाना चाह रहे हैं लगा दें। इसकी आउटलाइन थोड़ी थिक करनी है तो यहाँ से क्लोज करके यहाँ से शेप आउटलाइन में जाना है, यहाँ से वेट पे क्लिक करना है, और यहाँ से जितनी थिक करनी है वो आउटलाइन इस तरह से थिक कर लेनी है, और ये इसका बेसिक डिज़ाइन आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरह के ऑप्शंस बनाने हैं, ये जो हम स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बनाने का तरीका ये है कि एक पूरे पेज के साइज़ की पहले आपने एक स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया इसके ऊपर, और यहाँ पर एक पूरे पेज की आपने एक स्ट्रिप को तैयार कर लिया। अब ये जो पूरी स्ट्रिप आपने तैयार की है, इसकी थिक को थिकनेस आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, देखें, और इसकी इस आउटलाइंस को रिमूव कर दें, नो आउटलाइन कर दें, और इसमें कोई एक कलर इस पर फिलअप कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा और जूम आउट कर लें, यहाँ से पकड़ के थोड़ा नीचे है, इसकी ये रोटेशन वाली पट्टी को शिफ्ट के साथ ऐसे रोटेट करना है, रोटेट करके इसको पकड़ के यहाँ पे रख लें, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट द शेप दबाएं यहाँ पे, और इसको ऐसे नीचे ले आएँ। एक जैसे पट्टी यहाँ आ गई, एक कंट्रोल डी करें एक दूसरी पट्टी यहाँ आ गई, एक कंट्रोल डी करें एक तीसरी पट्टी आपकी यहाँ पर आ गई, तो ये तीन चार पट्टियाँ आपकी इस तरह से क्रिएट हो गई, और क्रिएट होने के बाद ये आपको इस तरह नज़र आएंगी। इसके बाद आपने स्पेस वगैरह अपने हिसाब से इसके डिस्टेंस को कंट्रोल कर लेना है, अगर आपको लग रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्टेंस इनके दरमियान का कम कर लें, इस तरीके से थोड़ा सा इनको क्लोज क्लोज कर दें, और ये आपको इस नज़र आएगी। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इनका डिस्टेंस जो है वो मैनेज नहीं हो पाया सही तरीके से, तो शिफ्ट के साथ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था, चारों पट्टियों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जाइए और यहाँ पे क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिए, तो उम्मीद है कि स्पेस मैनेज हो जाता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ी है, तो मैं इसको अंडू करके, अंडू तो किया है मैंने, बट ठीक है अगर ऐसे ही हो रहा है तो ये सही है, वरना उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, फिर करके देखना तुम लोग खुद से अगर हो जाए तो। तो यहाँ से फिर आके आपने क्या करना है, इसमें से एक पट्टी और लेनी है और इस बार को यहाँ पे लगा लेना है, कंट्रोल डी दबा के एक डुप्लीकेट कर लेना है इसको यहाँ पे, जैसे इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकल के आएगी तो उस कॉपी को ले जाके आपने इसको इस कॉर्नर पे लगा देना है, और इस कॉर्नर पे लगा के अब इनकी ऑर्डरिंग सेट करनी है, तो इस पर राइट बटन दबाना है, सेंड टू में जाना है और यहाँ से कर देना है सेंड टू बैक, और फिर यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, राइट बटन दबाना है, ब्रिंग फ्रंट कर देना है, और फिर इस पर राइट बटन दबाना है, ब्रिंग फ्रंट कर देना है, और इस पर क्लिक करके यहाँ से शेप फिल में जाके इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई भी डिज़ाइन आप इस पर चूज़ कर सकते हैं, जिसको आप इस तरह से रीशेप कर सकते हैं। उसके बाद आता है मामला ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा, तो देखिए इस पर भी एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, वो भी हम समझ लेते हैं। एक शेप बनाएंगे पहले यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ही वो शेप बन जाएगा उसमें कोई कलर डाल देंगे, जैसे ये कलर डाल दिया इसके आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे, नो आउटलाइन कर दिया हमने यहाँ से, और इसको पकड़ के हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है, तो ये कुछ इस तरह से ही है, और यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा राइट एरो दबा के थोड़ा सा आगे ले लेना है, तो ये थोड़ा इस तरह से नज़र आएगा। ऊपर और नीचे का डिस्टेंस नोट कर लेना कितना है, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये डाउन एरो की मदद से मैंने नीचे ले लिया। अब इसके साथ बीच में डिप्लोमा और इस तरह के मामला होने, कंट्रोल डी दबाएंगे, इसको साथ में रख के शिफ्ट का बटन होल्ड करके इसे सीधा ले जाएंगे, हालांकि ये सीधा हो नहीं रहा, फिर भी लेके तो जाना पड़ेगा, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी सेट करना बताता हूँ। इस तरह करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है, दोनों सेलेक्ट हो गए, तो मैंने आपको समझाया था अरेंजेस में जाके या तो उसको अलाइन टॉप कर दो, अलाइन बॉटम कर दो, अलाइन मिडिल कर दो, इससे ये दोनों एक लेवल में आ जाएंगे अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो।
तो ये अब एक साथ हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने इस पे से एक को सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से खींच के इस तरह से ऊपर नीचे से आगे कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा एक शेप निकालने के लिए यहाँ से हमने आपको बताया था कि एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और एडिट पॉइंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ ऐसे एक हिसाब से आगे कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह लिखना है और ये वाला शेप एक क्रिएट करना है। यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ करके ये टेक्स्ट लिखना है, ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, ये भी टेक्स्ट लिखना है और ये वाला शेप ये खुद बनाना, तुम देखता हूँ कैसा बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखने हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट मिल जाते हैं वर्ड आर्ट से, क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पर ये टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप टेक्स्ट के होम में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके अपना फॉन्ट चूज़ करेंगे, जो भी बेहतर फॉन्ट आपको लगे कि इधर लगाना चाहिए मुझे, वो फॉन्ट आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे मैंने एरियल ब्लैक का फॉन्ट ले लिया। उसके बाद इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें, मतलब बड़ी एबीसी में लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसमें लिखना है डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ऐसा भी फॉन्ट होता है जो ऐसे लंबे लंबे अल्फाज होते हैं नज़र आते हैं उसके अंदर, अगर वो देखिएगा आपके पास है तो ठीक है, वरना वो फिर इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं ऐसे फॉन्ट, यानी कि जो उसी तरह से नज़र आए कि बिल्कुल ऐसे थोड़ा खिंचा हुआ। जैसे ये वाला फॉन्ट है ना, इसमें देखिए सीधा थोड़ा स्ट्रेच्ड है टॉप एंड बॉटम पे, तो इसको यूज़ कर लेना। चलो डिप्लोमेट फॉन्ट है, डिप्लोमा ही लिख दिया हमने इसके ऊपर और क्लिक करके। अब मसला ये हो गया कि इसका बॉक्स कहाँ चला गया, ये आ गया इसका बॉक्स, ठीक है। तो इसके बॉक्स पे आपने नज़र रखनी है, अगर ये बॉक्स आगे पीछे हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, अगर ये बॉक्स सेलेक्ट में ना हो तो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे, जो भी आप शेप बना रहे हैं उन सबके लेयर्स क्या नज़र आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ें, यहाँ से इसको मूव करें, इसके बीच में एडजस्ट करने की कोशिश करें। एडजस्टमेंट में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर लें हमारे हाथ में, ठीक है। तो ये से कर लें, सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए करके, इसका फॉन्ट यहाँ से जाके जो है ना कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो फॉन्ट लगाना है वहाँ बीच में इस तरह का फॉन्ट लगा दीजिएगा, तो ये इस तरह से इसमें नज़र आ जाएगा। बाकी भी ऐसे ही होगा सारा काम, ठीक है ना, कैसे करना है। अब बाकी बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, इसी पे क्लिक करके यहाँ इसके आउटलाइंस में सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके यहाँ पे इसको ऊपर रखा आपने और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज़ को कम किया आपने, सपोज़ टू बी 22 पे कर लें। और यहाँ पे जो लिखना है इसमें क्या लिखना है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख के सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, इसे लिखा आपने, सेलेक्ट किया कंट्रोल ए और यहीं से जाके फॉन्ट साइज़ को ब्लैक कर दिया, क्लिक किया यहाँ से और इसको उठा के इसके ऊपर इस तरह से फिट कर दिया। अब इसी का कंट्रोल डी ले लिया डुप्लीकेट करके और यहाँ पे उठा के अपना नाम लिख दिया अच्छा सा बड़ा। और बाकी रह गया नीचे पैरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे, पहले क्लिक हटाएं यहाँ से, ये यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, शेप से भी बना सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बॉक्स ले लें, जैसे कि ये वाला एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के इसके नीचे जहाँ बनाना है बना लें और उसके बाद उठा के इसको जितना बड़ा इस तरह से करना है कर लें, जो भी टाइप वगैरह करना है इस पर कर लें, इसमें आ जाएगा। अपना नाम यहाँ पर अच्छा सा बड़ा करके लिख लें, जैसे मैंने ये लिखा है, बल्कि इसी के इक्वल ही लिखा हुआ है, तो फिर आप यही वाला यूज़ कर लें, इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे क्लिक कर लें, इसका डुप्लीकेट ले लें कंट्रोल डी करके और अपना नाम लिख लें यहाँ पे जो भी, ठीक है। तो यहाँ लिखने के बाद नाम इसको और बड़ा करना है छोटा करना है जैसा करना है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लें, इसके बॉक्स को इसके हिसाब से रखें ताकि वो लेफ्ट राइट सेंटर का, फॉन्ट आप अपना यहाँ से चूज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लें, अपने नाम को क्लिक करना है प्रॉपरली, इसके इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा ये सर्टिफिकेट का बन जाएगा। हालांकि इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, ये वाला आपने खुद बनाना ही, दो चार चीज़ें जो दी हैं देखूंगा फिर कैसा बनाते हैं, फिर आपके लैपटॉप्स पे चेक करूंगा, फिर अगर इसमें कोई इश्यूज होंगे तो फिर आपको बताऊंगा क्या मसला है उसका।